एक कहते हैं कि यूपीएससी में ब्रॉड सिलेबस लेती है, जैसे कि लिमिटेशन नहीं है इसकी कुछ भी, पढ़ना बहुत पड़ता है इसमें। तो अभी शुरुआत यहाँ से हुई है कि पहले हमने 12th तक जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज किया जाए। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उनकी क्वेरी ये रहती है कि कॉलेज में जब होते हैं वो तो उनको कॉलेज का सिलेबस भी होता है, उसके साथ में टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं कि कॉलेज पढ़ाई और फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन, क्योंकि कॉलेज में ग्रेजुएशन नहीं होगी तब तक एग्जाम में तो बैठ नहीं पाएंगे, तो क्या करंट अफेयर्स उस टाइम पढ़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, केवल स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? पढ़ने, वो सबका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, बच्चों को समझ जिस लैंग्वेज में आ जाए, लैंग्वेज सबका अपना पर्सनल होता है, जो जिसमें जो कंफर्टेबल हो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश चूज करो, अदरवाइज अगर आप हिंदी अच्छा समझ सकते हो तो आप हिंदी में पढ़, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। अच्छा, मुझे ये लगता है कि कॉलेज के साथ साथ अगर प्रिपरेशन हो जाती है तो ये रहता है कि थोड़ा बेस बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो अभी मैं डीयू में हूं और यहां पर जो कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में जो तैयारी कर रहे हैं, वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि तैयारी अपनी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कॉलेज के साथ में कैसे करें। तो मैम सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपिका मिश्रा है जी। कौन से कॉलेज में हो आप? मैं हंसराज कॉलेज में पढ़ती हूं। अच्छा, कौन सा ईयर है और कौन से कोर्स में? मेरा सेकंड ईयर कोर्स है, मैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस से कर रही हूं। अच्छा, तो अभी आप यूपीएससी साथ में यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जी? बिल्कुल। अच्छा, तो टाइम किस तरह से मैनेज करती हैं आप लोग? सर मेरा मानना ये है कि अभी मेरे पास 4 साल की ग्रेजुएशन हो गई है। okay. तो मेरे पास सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जी, तो मेरे पास 3 साल अभी बचे हुए हैं जी। तो मैंने अभी स्टार्टिंग यहाँ जुलाई से की है और मेरा मानना है, मैं एनसीईआरटी को लेकर चल रही थी पहले, जब मैंने जब कोर्स बीए प्रोग्राम ले रखा है हिस्ट्री विद पॉलिटिकल साइंस, और जहाँ तक मेरा मानना है कि यूपीएससी का बेस ही होता है कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट ज्यादा उसमें इम्पोर्टेंट होते हैं, जियोग्राफी हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। और फिर हम प्रोग्राम में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स, मतलब एक कहते हैं कि यूपीएससी में ब्रॉड सिलेबस लेती है, जैसे कि लिमिटेशन नहीं है इसकी कुछ भी, पढ़ना बहुत पड़ता है इसमें। तो अभी शुरुआत यहाँ से हुई है कि पहले हमने 12th तक जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज किया जाए, वापस से 6 to 12 अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी जाए, शब्दों में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर जैसे कि मैं हिंदी मीडियम की छात्रा हूँ तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ तो मेरे को अपनी एनसीईआरटी के थ्रू मुझे शब्दों में पकड़ अच्छी बनानी चाहिए अपनी। देन उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मैं 12th लेवल की एनसीईआरटी अच्छे से मुझे समझ आ गई है, मैं उस पर कोई भी क्वेश्चन अगर उस लिमिटेटेड एरिया से पूछ लिया जाए और मैं उसको अच्छे से कवरअप कर सकती हूँ या लिख सकती हूँ, देन मैम लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम जैसी किताबें उठा सकती हूँ, या इकोनॉमिक के मतलब जो आगे की मतलब जो सिलेबस है मेनली उसको पकड़ लूँ। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स उनकी क्वेरी ये रहती है कि कॉलेज में जब होते हैं वो तो उनको कॉलेज का सिलेबस भी होता है, उसके साथ में टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं कि कॉलेज पढ़ाई और फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन। अगर आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं या बीए जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो आप उसमें अगर कोर मेजर पढ़ते हैं तो उसमें आप कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ेंगे जो यूपीएससी की डिमांड है, लाइक भारतीय लोक सेवा और संघ जैसे जो टॉपिक्स हैं, और आपकी ये इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक हैं, ये हमारे कॉलेज में भी ये टॉपिक्स हैं जी, जी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपका यूपीएससी का नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अच्छा। अगर आप कॉलेज में उन टॉपिक अगर आप कॉलेज में उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ते हो तो ये हो सकता है कि एम लक्ष्मीकांत में जो बुक्स है उसके जो टॉपिक्स हैं लाइक स्टार्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए इजीली। मैडम मैं आपसे थोड़ा सा और जानना चाहूँ, आपका चूंकि ह्यूमैनिटी यहाँ पर कॉलेज में भी है, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है ना, तो जो बच्चे और बाकी बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड या कोई और दूसरे बैकग्राउंड के हैं वो सभी को क्या कहाँ से तैयारी, जब वो कॉलेज में होते हैं सेकंड ईयर में होते हैं थर्ड ईयर में होते हैं तो तैयारी को कहाँ से स्टार्ट किया जाए? उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज उनका सब्जेक्ट एकदम अलग होता है, अलग होता है। वो साइंस के स्टूडेंट है या कॉमर्स के स्टूडेंट है तो उनमें क्या होता है कि उनका एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है कॉमर्स लाइन साइंस लाइन का, तो उनको वो शब्द मतलब की होता है ना कि वो वर्ड्स को क्लियर नहीं होते जल्दी से, ह्यूमैनिटीज के वर्ड्स समझ आ जाएंगी, ये ठीक है कि इनको समझ आएगा क्योंकि हिस्ट्री स्टोरी है, आप पढ़ते हो तो स्टोरी किसी को भी समझ आ सकता है, साइंस वाला बच्चा भी समझ लेगा और एक कॉमर्स वाला बच्चा भी समझ लेगा, लेकिन ये होता है कि उस स्टोरी में क्या कैसे किसकी बात कर रहे हैं या उस वर्ड्स का पर्टिकुलर वर्ड का क्या मतलब है वो शायद उनको क्लियर ना। वो तैयारी कहाँ से शुरुआत करें? शुरुआत तो वो सिलेबस को लेकर के या फिर एनसीईआरटी पढ़े या फिर कुछ और सब्जेक्ट से? मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है
कि उन्हें एनसीईआरटी से ही स्टार्टिंग करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी अगर वो 6 की पढ़ते हैं, कहते हैं 6, 7, 8 एनसीईआरटी में उतना कुछ खास नहीं होता है, स्टोरी होती है। अच्छा, चूंकि कॉलेज में ग्रेजुएशन नहीं होगी तब तक, एग्जाम में तो बैठ नहीं पाएंगे, तो क्या करंट अफेयर्स उस टाइम पढ़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, केवल स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? बिल्कुल पढ़ने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी की डिमांड ये नहीं होती है कि आप ग्रेजुएशन के बाद पेपर देंगे तो ग्रेजुएशन के बाद के जो करंट अफेयर होंगे वही पूछे जाएंगे। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं है यूपीएससी में। आप अगर अभी से स्टार्ट करते हैं, द हिंदू वगैरह के एनालिसिस वगैरह देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये होगा कि आपको मतलब ना कि कुछ जैसे कि हमारे पॉलिटिकली सिस्टम में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है, सारी चीजें हाँ बोलते ना कि थोड़ा सा हमारा बेस बनता चला जाता है। अच्छा, और प्लस एक हैबिट में आ जाती है वो चीज। अच्छा मैडम, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, आप चूंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी, तो जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना चाहिए वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या फिर हिंदी न्यूज़पेपर, क्योंकि मुझे लगता है वो सबका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, बच्चों को समझ जिस लैंग्वेज में आ जाए, लैंग्वेज सबका अपना पर्सनल होता है, जो जिसमें जो कंफर्टेबल हो। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो आप इंग्लिश चूज करो, अदरवाइज अगर आप हिंदी अच्छा समझ सकते हो तो आप हिंदी में पढ़, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। अच्छा, एक और सवाल मेरे जहन में ये है मैडम कि आप चूंकि कॉलेज में भी हैं, हाँ जी, तो यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, हाँ जी, तो क्या अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं? टाइम निकल जाता है, ऐसा नहीं है कि अब एकदम प्रॉपर यूपीएससी के मैदान में नहीं उतरे अभी, कि एकदम से उतर गए तो अब मतलब होता है कि करो या मरो की स्थिति है, कि बस यूपीएससी पढ़ना है तो बिल्कुल टाइम नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज में आ रहे हो, अब ऐसा भी नहीं कि कॉलेज में आ रहे हो तो कॉलेज में होता है ना कि खुद के लिए टाइम निकल ही जाता है, क्योंकि बच्चे कॉलेज में 6 घंटे की क्लासेस है, तो ऐसा तो है नहीं कि बच्चे 6 घंटे की प्रॉपर क्लास ले रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है कि क्या एक बच्चे को जो तैयारी कर रहा है उसको कॉलेज के साथ में तैयारी कर लेनी चाहिए या फिर कॉलेज पास आउट करने के बाद तैयारी शुरू करनी चाहिए? आपके पर्सपेक्टिव से जानना मुझे ये लगता है कि कॉलेज के साथ साथ अगर प्रिपरेशन हो जाती है तो ये रहता है कि थोड़ा बेस बन जाता है। ओके। लेकिन प्रॉपर टाइम फिर कॉलेज के बाद आपको मिल जाता है, हाँ बेस बन जाएगा तो आप प्रॉपर जो लक्ष्मीकांत है या स्पेक्ट्रम वगैरह किताबें हैं वो आप ग्रेजुएशन के बाद इजीली आराम से टाइमली कवर अप कर सकते हैं। तो मतलब कॉलेज के साथ तैयारी कर लीजिए, करनी चाहिए, अच्छा रहेगा, करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ओके, थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट मैम। थैंक यू।